अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सवाल किया है कि नमाज में कम से कम कितना हिस्सा कुरान की तिलावत करना जायज़ है या कम से कम कितनी आयतें पढ़ना जायज़ है। तो भाई उलमा इस्लाम उमूमन कहते हैं कि अगर छोटी छोटी आयतें हैं तो तीन आयतें कम से कम पढ़ लें, अगर बड़ी आयत है तो एक आयत भी काफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आम है कि फ़करा अमा तयसर मिन कबन अल-क़ुरआन, के जहाँ से तुम्हें आसान हो कुरान पढ़ना वहाँ से कुरान पढ़ लो। तो जितना आता हो जहाँ से आसान हो उतना पढ़ सकता है। अगर कोई बड़ी आयत है तो एक आयत भी पढ़ ले तब भी काफ़ी है। छोटी छोटी आयत है इन्ना आते नाकल कौसर जैसी तीन आयतों की सूरत, वो भी काफ़ी हो जाती है, तो पढ़ी जा सकती है। कम से कम अगर छोटी आयतें हैं तो तीन आयतें पढ़ लें, अगर बड़ी आयत है तो एक आयत भी पढ़ लें तो काफ़ी हो जाता है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।